देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट है स्क्रीन शेयर नहीं तो किसी का मुझे लग रहा है ना वीडियो कुछ ऑन on वन हो जा रहा है लग रहा है इस वजह से स्क्रीन बार बार अब देखो यहाँ पर ये स्क्रीन का, का ये हाँ ये चेंज हो जा रहा है बार बार ठीक okay. है yeah. देखो हम लोग शीट कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं मैंने पीडीएफ सभी को शेयर कर दिया था कल ठीक है अच्छा इलास्ट्रेशन थ्री इसमें क्या बोला हुआ है देखो इलास्ट्रेशन थ्री एन एडवरटाइजिंग एजेंसी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर विच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन तो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ठीक है तो वो चाहती है कि मतलब उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें कोटेशन सबमिट करना पड़ेगा ठीक है अब क्या बोला है बिल ऑफ मेटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बिल ऑफ मेटेरियल प्रिपेयर करता है बिल ऑफ मेटेरियल का मतलब जो हमें मेटेरियल चाहिए उसका क्या कॉस्ट वगैरह है वही चीज ठीक है परचेज अगर करेंगे तो बिल ऑफ मेटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही बिल ऑफ मेटेरियल बनाता है फॉर द जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मेटेरियल तो जो भी जॉब परफॉर्म करना है उसके लिए क्या क्या मेटेरियल चाहिए पेपर इंक बाइंडिंग मेटेरियल अदर कंज्यूमेबल्स तो पेपर टेन रिम्स एट द रेट ऑफ एटीन हंड्रेड पर रिम इंक एंड अदर प्रिंटिंग मेटेरियल फाइव थाउजेंड बाइंडिंग मेटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल्स थ्री थाउजेंड ये नीड है ठीक है जॉब को कंप्लीट करने का ये नीड है सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब द एजेंसी डॉट है फोटोग्राफर अच्छा ये जो टास्क है इनका ये टास्क को कम्पलीट करने के लिए क्योंकि एडवरटाइजिंग एजेंसी है तो एडवर्टाइजेंट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम करती है तो फोटोग्राफी वगैरह चाहिए होता है फोटो वोटो देते हैं तो ये देखो पेपर इंक प्रिंटिंग मेटीरियल बाइंडिंग मेटीरियल कंज्यूमेबल्स बाकी कुछ चाहिए और एक फोटोग्राफर चाहिए जो की फोटो जिनको आता है 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 ठीक तो उनके पास कोई फोटोग्राफर है नहीं फिलहाल लेकिन ये लोग चाहते कि एक फोटोग्राफर को एज एन एम्प्लॉय रखे डिसाइड टू हायर वन बाय पेइंग टेन थाउजेंड टू हिम तो ये लोग बोल रहे कि हम लोग एक फोटोग्राफर रख लेंगे और उनको टेन थाउजेंड दे देंगे एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रीपेर्ड बाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाइज दैट शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना जॉब कार्ड बना रही है मतलब जो टास्क वो लोग कर रही है जॉब कार्ड का मतलब होता है जैसे तुम लोग का वोटर कार्ड है वहां पर क्या लिखा हुआ है तुम लोग का डिटेल्स जो भी डिटेल्स वहां पर होता है Uh, मतलब फादर uh, का नाम होता है ठीक है अपना नाम होता है डेट ऑफ बर्थ होता है अगर आधार कार्ड देखो तो वहां भी इस तरह का डिटेल्स होता है तो वो एक कार्ड हुआ ठीक है आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज का हो सकता है स्कूल का हो सकता है तुम लोग का उसी तरह से जॉब कार्ड में जॉब का डिटेल्स होता है कि जॉब नंबर क्या है कौन सा जॉब है इसमें क्या खर्चा लगा है क्या मेटेरियल है क्या लेबर है दैट इज कॉल्ड जॉब कार्ड जॉब कार्ड जो है गुड मॉर्निंग स्ने गुड मॉर्निंग मैम तो देखो हम लोग यहाँ पर ये जस्ट डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट ही किया है इलास्ट्रेशन थ्री का अभी अभी तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ठीक है जिनके पास एक इंक्वायरी आया है ठीक है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक इंक्वायरी है रिगार्डिंग मतलब इनको कुछ टास्क अपना जॉब परफॉर्म करवाना है है ठीक यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन हमें उसके रिगार्डिंग कोटेशन सबमिट करना है और इनका जो भी मेटेरियल वगैरह चाहिए यहाँ पर बता दिया है कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए इन्हें क्या क्या मेटेरियल चाहिए और एक फोटोग्राफर चाहिए जो कि इनके पास नहीं है तो ये लोग बोल रहे एक फोटोग्राफर को रख लेंगे हम लोग टेन थाउजेंड दे के मतलब ये बोल सकते हो इनका लेबर का कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि कॉस्टिंग में लेबर का मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको अनस्किल्ड है वही लेबर है कॉस्टिंग में लेबर सभी होते हैं ठीक है तो यहाँ पर जॉब कार्ड प्रिपेयर किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाइज दैट सर्विस ऑफ फॉलोइंग एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब बोल रहा है कि वहां पर यह लिखा हुआ है सर्विसेज ऑफ फॉलोइंग एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब ये काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं चाहिए हमें एक आर्टिस्ट चाहिए एक कॉपीराइटर चाहिए एक क्लाइंट सर्विसिंग चाहिए अब कैसे पेमेंट किया जाएगा ये इन आर्टिस्ट को पेमेंट किया जाएगा ट्वेल्व पर मंथ कॉपी जो होंगे उनको टेन पर मंथ और क्लाइंट सर्विसिंग जो करेंगे उनको नाइन पर मंथ करके दिया जाएगा और इनको इतना इतना टाइम काम करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए

The primary packing material will be required to the टू ना फोर थाउजेंड प्राइमरी पैकिंग मेटेरियल अब पैकिंग मेटीरियल ना दो तरह का होता तो है ये शायद मैंने बोला भी है एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब होता है जिसके बिना हमारा काम नहीं होगा जैसे मान लो अगर घर पे कभी मस्टर्ड ऑयल लाते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंटेनर चाहिए या तो तुम्हें पाउच वाला लेना पड़ेगा या तो तुम्हें मतलब प्लास्टिक के बॉटल पहले कांच के बॉटल में भी आता था अभी भी हो सकता है ठीक है प्लास्टिक के बॉटल में लेना पड़ेगा अगर कोई लूज खरीदता है ऐसे तुम लोग बोल सकते हो कि अगर कोई लूज खरीदे तो उसके लिए भी कंटेनर जरूरत है विदाउट कंटेनर तुम

तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होगा उसका 40 परसेंट प्रोडक्शन ओवरहेड होगा वाइल एस एंड डी यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर लाइकली टू बी 25 परसेंट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 25 परसेंट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट है द एजेंसी एक्सपेक्ट से प्रॉफिट ऑफ 20 परसेंट ऑन द कोटेड प्राइस कोटेड प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस तो कोटेशन हम लोग कैसे देंगे अगर मान लो तुम लोग अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हो और मान लो रॉ मेटेरियल बेचते हो ठीक है कोई कंपनी जो उस रॉ मेटेरियल का यूज करती है जब कंपनी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मेटेरियल खरीदना होता है ना वो टेंडर बुलाते हैं ठीक है मतलब पेपर में एडवर्टाइज देते हैं कि मुझे ये मेटेरियल का जरूरत है जो भी कंपनी है ये मेटेरियल बेचती है अपना कोटेशन भेजिए कोटेशन का मतलब है कितने में आप बेचोगे वो भेज दीजिए ठीक है तो उसे बोला जाता है कोटेशन तो यहाँ पर बोल रहे हैं एजेंसी एक्सपेक्ट से प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट मतलब जो कोटेड प्राइस वो बनाने वाली है मतलब सेलिंग प्राइस प्राइस जिस price को वो बताने वाली कि हाँ हम अपना प्रोडक्ट इतने में बेचेंगे उस पर वो ट्वेंटी परसेंट प्रोफिट कमाएंगे ऐसा इन्होंने सोच रखा है एजेंसी वर्क ट्वेंटी डे और एजेंसी में काम कब होता है मंथली देखो तो ट्वेंटी फाइव डेज और पर डे देखो तो सिक्स आवर्स करके काम होता है बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या प्रिपेयर करके देना है कुछ यहाँ पर हमें कोटेशन प्राइस कोटेड प्राइस एक्चुअली कैलकुलेट करके देना है इन्होंने ये सब डिटेल्स बता दिया तो एक्चुअली इनका कोटेड प्राइस क्या है ठीक है वही बोला है देखो एन एजेंसी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर व्हिच मतलब उनके पास उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा किसी ने टेंडर बुलाया होगा तो उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है ठीक है और उसका कोटेशन प्राइस रेडी करना है तो एज ए मतलब कॉमर्स uh, स्टूडेंट तुम लोगों को बोला जा रहा है कि इसका प्राइस बताओ अगर उन्होंने बता दिया कि मेरा ये सब खर्चा होगा ठीक है तो बताओ कि उस सर्विस उस प्रोडक्ट को बेचने का इनका कोटेड प्राइस क्या होना चाहिए वो हमें प्रिपेयर करके देना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन <coughs> तो समझ गए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं देखो क्वेश्चन करना इलास्ट्रेशन थ्री ठीक है तो हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले देखो हम लोग को मेटेरियल चाहिए होता है ये प्रोडक्ट मेटेरियल में ये सब बता दिया ये सारी चीजों का हमें जरूरत है ठीक है तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेटेरियल लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेटेरियल यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस ही तो कैलकुलेट करना हमारा कॉस्टशीट का मेन टारगेट होता है ठीक है तो डायरेक्ट मेटेरियल <coughs> अब डायरेक्ट मेटेरियल में ना हमारे पास दो तीन तरह का यहाँ मेटेरियल बोल रखा है तो हम लोग इसके नीचे नीचे नाम लिख लेते हैं लाइक पर पेपर पेपर है देखो कितना बोला है टेन रिम्स एट द रेट ऑफ एटीन हंड्रेड पर रिम रीम। तो यानी टोटल कितना होगा गुड आफ्टरनून इनकी अच्छा तो यहाँ पर बोलो पेपर का कितना होगा एटीन हंड्रेड ये हो जाएगा वन एटीन थाउजेंड ठीक है अच्छा नेक्स्ट हमें क्या चाहिए देखो इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल ठीक है इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल ये वैल्यू है हम लोग का फाइव थाउजेंड ये बता दिया है तो ये भी फाइव थाउजेंड ये भी मेटेरियल टाइप है ठीक है इंक ये सब तो मेटेरियल होता है तो ये सब मेटेरियल में आएगा बाइंडिंग और अदर कंज्यूमेबल्स बाइंडिंग एंड अदर कंज्यूमेबल्स है थ्री थाउजेंड और मुझे कहीं पर भी मेटेरियल का कुछ डिटेल्स नहीं दिखा यहां पर नीचे तो सारे डिटेल्स जो, जो है वो <coughs> वेजेस का है और यहाँ पर जो पैरा है वहां पर प्रोडक्शन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर का दे रखा है तो टोटल तो अब मटेरियल कितना हो रहा है आ, एट फाइव और थ्री एट एट और एट यहाँ पर हो गया ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड हो रहा है क्या अच्छा और एक आ, प्राइमरी पैकिंग था एक पैकिंग बोला था ना ये देखो प्राइमरी पैकिंग आ, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू टू नोर थाउजेंड ठीक है तो हमें प्राइमरी पैकिंग करवाना पड़ेगा मेटेरियल का वो यहाँ पर एड होना चाहिए जब मैंने स्टार्टिंग में कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट वगैरह डिटेल्स बताया था तब भी मैंने बोला था अगर प्राइमरी पैकिंग है मेटेरियल का तो वो उसमें एड होना चाहिए और अगर वो पैकिंग को हम लोग बाद में रीसेल कर सकते हैं ठीक है थीके? जैसे मान लो कार्डबोर्ड वगैरह जो भी आता है वो रीसेल हो जाता है अगर रीसेल कर देते हैं तो उतना कॉस्ट वहां से लेस हो जाता है यहाँ पर रीसेल तो बोला नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एड कर लेते हैं ये सब तो ऐड और ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग ऑफ मेटेरियल ये भी यहां पर होना चाहिए अगर ये नहीं लिखेंगे फिर गलत हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा फाइव प्लस थ्री एट और ये हो गया ट्वेंटी सिक्स और फोर थर्टी थाउजेंड ठीक है टोटल मेटेरियल का खर्चा थर्टी थाउजेंड आया अब नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट लेबर अब लेबर में भी अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा <laughs> जैसे पहले है आर्टिस्ट ठीक है आर्टिस्ट को ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ देना पड़ेगा एट्टी आवर्स काम करवाना है ठीक है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर लिखते हैं आर्टिस्ट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा तो आर्टिस्ट का पेमेंट हो जाएगा देना पड़ रहा है पर मंथ मन्त। और मंथली कितने आवर्स काम होता है क्योंकि हमें इस जॉब का देखो कैसे समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करें क्योंकि हमें इस जॉब का कॉस्ट कैलकुलेट करना है ठीक है तो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक आर्टिस्ट को एट्टी आवर्स काम करना पड़ता है लेकिन ये जो पेमेंट है ये कोई एट्टी आवर्स का नहीं है ये बोला है ट्वेल्व थाउजेंड मंथली बताया है अगर मंथ में इतना ही आवर्स काम हो रहा है तब तो ठीक है लेकिन ये चेक करो कि मंथली कितने आवर्स काम हो रहा है क्योंकि वो नीचे यहाँ पर कुछ बता रखा है तो एक दिन में वन डे फॉर वन डे एक पर डे में काम होता है सिक्स आवर्स ठीक है तो ट्वेंटी फाइव डेज एक मंथ में काम होता है ट्वेंटी तो हाँ तो सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी आवर्स काम हो रहा है मतलब ये पेमेंट कितने टाइम के लिए है ये तो मंथली है ना ये तो मंथली का हिसाब हुआ है तो ये पेमेंट कितने टाइम के लिए है बोलो अरे बोलो तो थाउजेंडी हम्म ये पेमेंट 120 नहीं हम ये नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे ये जो पेमेंट मिल रहा है ये कितने आवर के लिए है ये तो मंथली पेमेंट है मंथली जितना डेढ़ सौ हाँ तो ये पेमेंट वन फिफ्टी आवर के लिए है लेकिन इस जॉब में आर्टिस्ट का काम एट्टी आवर ही होगा इस पर्टिकुलर जॉब में तो फिर इस पर्टिकुलर जॉब में आर्टिस्ट का पेमेंट का कितना अमाउंट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उतना ही करेंगे ना जितना इस जॉब में लिया देड़। 6400, कैलकुलेट करना पड़ेगा 12000 दिया जा रहा है 50, 150 के लिए ठीक है तो 80 के लिए कितना होगा यूनिटरी 150 के लिए 12000, तो 80 के लिए कितना हो जाएगा 12000 डिवाइडेड बाय 150 हंड्रेड फिफ्टी ठीक है तब जाके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा जितना होगा उतना ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर लिख देते रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइडेड by 25 फाइव इंटू सिक्स ट्वेंटी फाइव डेज इंटू सिक्स इंटू एवर तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज ठीक है ये है ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ अच्छा अब आर्टिस्ट के बाद आ जाएगा कॉपी राइटर कॉपी राइटर का सेम उसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका भी मंथली मंथ इन टू यहां पर इनका टाइम था सेवेंटी फाइव आवर्स देखो कितना होता है फाइव थाउजेंड हाँ फाइव थाउजेंड होगा कॉपी राइटर के बाद कौन है क्लाइंट सर्विसिंग थर्टी आवर्स अठारह सौ हम्म हंड्रेड है ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट लेबर का ठीक है और एक लेबर है फोटोग्राफर एक हायर करना पड़ेगा ना ये इनको बता दिया इनके पास ये है नहीं अवेलेबल और फोटोग्राफर को रखना पड़ेगा और उसके लिए खर्चा है जो कि टेन थाउजेंड देना पड़ेगा ठीक है और ये इस जॉब के लिए ही है देखो द एजेंसी डज नॉट है फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉय पहले से इनके पास है नहीं ये ये लोग पहले से है इनको ऐसे ऐसे पेमेंट होता है मंथली लेकिन इस जॉब के हिसाब से हम लोगों ने प्रोपोर्शन कर दिया इट डिसाइड टू हायर वन बाई पेइंग टेन टू हिम अब यही हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफर का पर्टिकुलर इस जॉब का कितना खर्चा है नहीं बोला है अब पहले से इनके पास फोटोग्राफर नहीं था तो नीड नहीं था मतलब इस जॉब के लिए हायर हो रहा है यानी पूरा का पूरा टेन थाउजेंड यहां पर आ जाएगा फोटोग्राफर्स, चार्ज टेन थाउजेंड तो टोटल करके देखना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर कितना होगा टेन थाउजेंड और ये कितना हो जा रहा है नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड और ये कितना हो जाएगा नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड कैलकुलेटर नहीं है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस तेईस हजार दो सौ अच्छा तेईस हजार दो सौ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है अच्छा अब ये दोनों टोटल करने से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा और तो कोई डायरेक्ट कॉस्ट है नहीं तो ये ट्वेंटी थ्री टू हंड्रेड प्लस थर्टी थाउजेंड फिफ्टी थ्री टू हंड्रेड ये हो गया प्राइम कॉस्ट अच्छा इसके बाद प्रोडक्शन ओवर मतलब फैक्ट्री का खर्चा लगता है जो कि यहाँ पर बता रखा है प्रोडक्शन ओवर हेट फोर्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट तो ऐड कर देते हैं फोर्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब इक्कीस हजार दो सौ मेरा क्या हो गया ये वाला फिफ्टी थ्री टू हजार दो सौ अस्सी अच्छा हाँ ट्वेंटी वन टू ये मैंने डिवाइड हंड्रेड नहीं किया इसीलिए ऐड कर लो सेवेंटी फोर फोर एटी हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट अच्छा नेक्स्ट क्या ऐड होना चाहिए इसके बाद सेलिंग एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम लोग कर नहीं सकते सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही कर लेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट तो इसपे ट्वेंटी फाइव परसेंट इस पे ठीक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब इस पे ये जो आया है सेवेंटी फोर फोर एट्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब वन फोर्थ एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी टोटल करने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स नाइन्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है नाइन्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड आ गया ये हम लोग का आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट नाइन्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है अब इस पे प्रॉफिट लगाएंगे तब हमें मिल जाएगा कोटेड प्राइस ठीक है और प्रॉफिट हमें बता रखा है कितना लगाना है ट्वेंटी परसेंट ऑन कोटेड प्राइस तो बता सकते हो क्या इस पे ट्वेंटी परसेंट लगेगा कोटेड प्राइस का मतलब मैंने बता दिया जिस पे हम लोग अपना जो मतलब सर्विस हो प्रोडक्ट हो कुछ भी हो जो हम लोग जिस दाम पे सेल करना चाहते हैं वो होता है कोटेशन बताइए मतलब अपना सेलिंग प्राइस बताइए तो अगर सेलिंग प्राइस पे इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस ये ट्वेंटी डायरेक्ट लगेगा या फिर इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा बताओ हम तो बता रहे हैं कि कोटेड प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस होता है फिर भी तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो ये कॉस्ट है ना ये तो कॉस्ट है ये सेलिंग प्राइस थोड़ी ना है कोटेड प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस होता है तो कोटेड प्राइस पे अगर ट्वेंटी परसेंट तो दैट इज कॉस्ट पे कितना होगा ट्वेंटी बाई हंड्रेड तो ये हो जाता है वन बाई फाइव तो ये वन रुपीज प्रॉफिट है फाइव रुपीज सेलिंग प्राइस है क्योंकि ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग तो ये सेल प्राइस है ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एक रुपए कॉन्स्टेंट ही रहेगा लेकिन कॉस्ट तो चेंज होगा ना कॉस्ट कितना है फोर रुपीज वन फोर्थ वन फोर्थ मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट होगा तो नाइनटी थ्री वन हंड्रेड पे वन फोर्थ यानी हो जाएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव तो टोटल करने पे आ जाता है इलेवन था वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये हो गया इस पे हमें बेचना चाहिए अगर हमारा इतना खर्चा है और ये हम लोग का हम लोग का खर्चा जो जो भी इतना दिख रहा है और हम लोग अगर इतना प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो हम लोग का कोटेशन प्राइस ये होना चाहिए वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है अच्छा तो क्वेश्चन नॉर्मली था लेकिन इसका लैंग्वेज वगैरह पढ़ के तुम लोग को समझना पड़ेगा कैसे बनेगा अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन फोर अब ये जो है ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है अगेन अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो ट्रायल बैलेंस दे रखा है ट्रायल बैलेंस से हमें शायद कौशिट बनाना पड़ेगा क्योंकि कौशिट का क्वेश्चन है तो मान लेते कॉशिट ही होगा देख लेते हैं आगे पढ़ के अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट दोनों होता है, जो कि टैली हो जाता है लेजर के बाद ट्रायल, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस रहता है एसेट्स वगैरह रहता है और क्रेडिट साइड में हम लोग का लाइबिलिटीज रहता है इनकम गेन्स रहता है ठीक है अच्छा यहाँ पर देखो इन्वेंट्रीज दे दिया है ये रॉ मेटेरियल है डब्ल्यू आईपी है फिनिश गुड्स है ठीक है मतलब ये स्टॉक है ठीक है स्टॉक है अब ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो ये कौन सा है नॉर्मली क्या होना चाहिए कौन सा स्टॉक होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर नॉर्मली कौन सा स्टॉक दिया हुआ रहता है ओपनिंग या क्लोजिंग बता सकते हो यहाँ तो डेट डिटेल्स मतलब न जो बोलते हैं नॉर्मली ओपनिंग होता है क्लोजिंग भी हो सकता है लेकिन उसका फिर उसमें एडजस्टेड परचेज का कंसेप्ट आता है देख लेते क्या क्या दे रखा है ऑफिस अप्लायसेज प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सेल्स सेल्स रिटर्न मेटेरियल परचेज

ये पता नहीं क्या है सेल्स है हाँ सेल्स है और इधर परचेज रिटर्न बाकी सब हमें डेबिट में ही दिख रहा है नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बता रखा है <laughs> मतलब वो ओपनिंग है जब तक हमारे ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज नहीं लिखा होता है तब तक हम लोग ये मानेंगे कि वो ओपनिंग होता है नीचे क्लोजिंग दे रखा है तो ऑब्वियसली वो ओपनिंग है क्लोजिंग का मेटेरियल डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड्स एक्ड एक्सपेंसेज आर डायरेक्ट लेबर एकज मतलब डायरेक्ट लेबर का पूरा पेमेंट नहीं किया हम लोगों ने एट थाउजेंड बाकी रखा है तो आउटस्टैंडिंग है इनडायरेक्ट लेबर और इंटरेस्ट अच्छा एक्रूड में डायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट भी है इंटरेस्ट भी है अच्छा डेप्रिशिएशन शुड बी प्रोवाइडेड फाइव परसेंट ऑन ऑफिस अप्लायसेज टेन परसेंट ऑन मशीन फोर परसेंट ऑन बिल्डिंग Heat, light, and power are to be distributed in the ratio of 80 to 1 is to 1 among factory, office, and administration, office, and distribution, respectively. Rates and taxes apply two thirds to the factory, one third to the office. Depreciation on building to be distributed in the ratio of 80 to 1 is to 1 among factory, office, and distribution, respectively. Prepare a <coughs> cost sheet showing all important component and also a condensed PL account for the year. We have पीएल अकाउंट भी बनाने के लिए बोल रहा है और यहां पर बोल रहा है कि क्वॉटशीट बना के दिखाओ ठीक है तो हमें यहाँ से खुद से ढूंढ के लिखना पड़ेगा पूरा प्रॉपर हमें फॉर्मेट कुछ नहीं दिया है कि जिसको हम लोग डायरेक्टली देख के लिखे हमें समझना पड़ेगा क्या चीज कहाँ पर लिखना चाहिए तो क्वास्टशीट का फॉर्मेट याद होता है तभी कर पाएंगे हम लोग तो इलास्ट्रेशन फोर क्वेश्चीट For thirty first December two thousand sixteen. <coughs> <coughs> अब देखो कॉस्ट शीट का अपना फौ, जो फॉर्मेट होता है वो हमें फॉलो करना है सबसे पहले हमें सारे जो डिटेल्स चाहिए वो मेटेरियल कंज्यूम्ड का चाहिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा डायरेक्ट मेटेरियल हम लोग लिखेंगे लेकिन डायरेक्ट मेटेरियल में क्या लिखना पड़ता है मेटेरियल कंज्यूम्ड लिखना पड़ता है ठीक है तो कंज्यूम्ड कैसे होगा क्यों मैंने कंज्यूम्ड का बात बोला क्योंकि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग ये सब है तो देखो ओपनिंग रॉ मेटेरियल वन लैख फोर्टी थाउजेंड तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओपनिंग रॉ मेटेरियल वन लैक फोर्टी थाउजेंड फिर यहाँ पर ऐड करेंगे अगर हम लोगों ने कुछ परचेज किया है परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल तो ये किया था देखो यहाँ पर जब हम लोग रीड कर रहे थे ना तो देखो हम लोगों ने देखा है परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल था क्योंकि रिटर्न भी था ये देखो परचेज रिटर्न है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और परचेज डेबिट साइड में दिखना चाहिए यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो नीचे होगा आ, फैक्ट्री रॉ मेटेरियल परचेज इनडायरेक्ट लेबर तो नहीं है ओ ये रहा थ्री लैख ट्वेंटी ठीक है और रिटर्न है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहाँ पर लिखेंगे थ्री लैख ट्वेंटी लेस कर देंगे रिटर्न ठीक है जितना हम लोगों ने रिटर्न कर दिया वो तो कंज्यूम कर ही नहीं सकते वो तो हमारे पास है ही नहीं हमारे गोडाउन में ही नहीं है रिटर्न लेस हो जाएगा ठीक है तो ये नेट परचेस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल से परचेस एड करके रिटर्न लेस कर देते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है नेट परचेस और ये भी देखना है कि परचेस करते हुए कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था क्या क्योंकि क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में है तो एक बार देख लेते हैं ऑफिस अप्लायंस प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सेल्स सेल्स रिटर्न मेटेरियल परचेस हाँ फ्रेट ऑन मेटेरियल तो ये एड होगा थाउजेंड ये ऐड कर देते हैं ऑन ये हो गया सिक्सटीन थाउजेंड अच्छा और कुछ है देख लेते एक बार डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट फैक्ट्री फैक्ट्री हीटिंग लाइटिंग नहीं मुझे और नहीं लग रहा है कुछ भी मेटेरियल से रिलेटेड है अब क्लोजिंग स्टॉक देखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक है वन लैख एटी थाउजेंड तो लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल वन लैक एट्टी थाउजेंड ठीक है और इससे हमें मिल जाएगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड ये मिल जाएगा हम लोग को तो चेक करके देखो कितना हो रहा है रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड होगा रॉ मेटेरियल बेचते थोड़ी है हम लोग तो फिनिश गुड्स बेचते हैं सेल क्यों माइनस है ना सेल थोड़ी ना माइनस होगा अच्छा रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितना है देखो वन लैख फोर्टी प्लस थ्री लैख ट्वेंटी और ये फोर एट जीरो जीरो सिक्सटीन थाउजेंड और माइनस वन लैख एट्टी टू लैख नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड टू लैक नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड अब इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर का खर्चा ठीक है तो डायरेक्ट लेबर का देख लेते क्या क्या दे रखा है यहाँ पर डायरेक्ट लेबर वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यहाँ दिख रहा है मुझे ठीक है डायरेक्ट लेबर और लेबर का एक्ड भी था ठीक है अब देखो ये बन रहा है कॉस्टशीट तो कॉस्टशीट पे हमें क्या दिखाना पड़ता है जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उस उसपे हम लोगों ने खर्चा क्या क्या किया है चाहे इन नेचर ऑफ मेटेरियल हो चाहे इन नेचर ऑफ लेबर हो कुछ भी हो तो ये जो एक् वाला है क्या ये यहाँ पर एड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तुम लोग को क्या लगता है कि डायरेक्ट लेबर का खर्चा एट हम लोगों ने बाकी रखा है तो क्या ये एड होगा या नहीं होगा ये बताओ क्योंकि हमें क्या करना है हमें ये देखना है कि ये टास्क को पूरा कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारा क्या क्या खर्चा लगा है तो डायरेक्ट लेबर एड होगा क्योंकि ये इस पे तो जरूर हो रहा है ना हम लोगों ने ये पेमेंट पेमेंट नहीं किया तो तो करना चाहिए था तो कैश आउटफ्लो भले ही ना हुआ हो लेकिन हमारा खर्चा तो उसमें इनकट हुआ है प्रोडक्शन को रॉ मेटेरियल फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए तो एक्ट लेबर एड होना चाहिए ठीक है तो ये हो जाएगा वन और ये दोनों एड करने से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा दोनों को ऐड कर लो वन लैख सिक्सटी एट और टू लैख नाइनटी वन टू हंड्रेड फोर लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड हम यहाँ पर लिखते थे फोर लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड ये हम लोग का हो गया प्राइम कॉस्ट ये वाला ठीक है ये हो गया प्राइम कॉस्ट फोर लैक फिफ्टी नाइन थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं नेक्स्ट ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवर ठीक है अब फैक्ट्री ओवर ना हमें अलग से नहीं बोला है हम लोग को खुद यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा मेरा फैक्ट्री ओवर हो सकता है तो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा लाइन बाय लाइन फैक्ट्री ओवर तो फैक्ट्री ओवर में <laughs> क्या क्या खर्चा आएगा रॉ मेटेरियल नहीं आएगा डब्लू आईपी लिखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग लेकिन पहले खर्चा लिख लेते हैं फिर डब्ल्यू आईपी को एडजस्ट करेंगे फिनिश गुड्स कभी नहीं आएगा फिनिश गुड्स तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है तो फैक्ट्री में उसका और कोई काम नहीं है ऑफिस अप्लायसेज तो ये तो ऑफिस बता ही रहा है प्लांट मशीनरी क्या प्लांट मशीनरी का पूरा वैल्यू लिख दे ये ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ रहता है प्लांट मशीनरी का ये ट्रायल बैलेंस में जो फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिख रहा है ये क्या है प्लांट मशीनरी का क्या है ये प्लांट मशीनरी का क्या है ये वाला वैल्यू फोर लैख कॉस्ट है जितने में खरीदा गया इसका डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा ये थोड़ी ना लिखना है हमें तो लिखेंगे डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा नीचे बता दिया है, कितना परसेंटेज लगाना है फोर लैख सिक्सटी फाइव हंड्रेड पे फोर लैख सिक्सटी फाइव हंड्रेड पे लगाओ कितना है फोर्टी परसेंट नहीं सॉरी फोर परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट होगा फोर लैख सिक्सटी फाइव हंड्रेड पे टेन परसेंट यहां पर कर देते हैं कितना हो जाएगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी ठीक है अच्छा नेक्स्ट फैक्ट्री ओवर में क्या आएगा <coughs> प्लांट मशीनरी के बाद बिल्डिंग hmm. बिल्डिंग आएगा इसके बाद बिल्डिंग दिख रहा है क्या लगता है बिल्डिंग आएगा जब मैंने लिस्ट लिखवाया था तब बोला था बिल्डिंग तो ऑफिस का भी हो सकता है फैक्ट्री का भी हो सकता है लेकिन अगर सिर्फ बिल्डिंग लिखा हुआ है तो ये कहाँ पर देना चाहिए ये सारा चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट वाले क्लास में मैंने एक बार बता दिया था डिटेल्स में क्योंकि ये सब पॉइंट आ जाता है बताओ बिल्डिंग कहाँ पर होगा बिल्डिंग के आगे कुछ नहीं लिखा है ऑफिस का बिल्डिंग है फैक्ट्री का बिल्डिंग है तो हमें कहाँ देना चाहिए बिल्डिंग का कॉस्ट तो नहीं आएगा उसका डिप्रिसिएशन आएगा कहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री में फैक्ट्री में कुछ नहीं बोलेगा तो कहां पर लिखना पड़ेगा फैक्ट्री में ठीक है तो बिल्डिंग यहां पर लिखते हैं डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग टू लैख का टू लैख का कितना हो जाएगा टू लैख का हो जाएगा बिल्डिंग मतलब फोर परसेंट तो ये हो जाएगा हम लोग का फोर परसेंट यानी कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड फोर नहीं फोर परसेंट मतलब एट थाउजेंड हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ बोला है डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशन इज टू वन अच्छा फैक्ट्री में ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलग अलग ठीक है तो तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा अभी हम लोग फैक्ट्री पे करते हैं तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा फोर परसेंट तो यहाँ पर फोर परसेंट कर दिया लेकिन यहाँ पर कितना आएगा तो लाइट और पावर में तो हीट लाइट और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हा, हां वो भी कर देंगे वो मेरा तो मैंने तो ट्रायल बैलेंस देख के कर ना तो बिल्डिंग आ गया इसलिए हम पहले बिल्डिंग का करते रहे ठीक है हम ट्रायल बैलेंस से डेटा लेके कर रहे हैं ना हीट लाइट पावर इसके बाद लिखा हुआ इसलिए हम यहाँ से सीक्वेंस के हिसाब से कर रहे हैं इसीलिए मैंने पहले ये वाला कर दिया आगे पीछे लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा ये देखो यहाँ पर कितना होगा बिल्डिंग का कितना लिखना पड़ेगा रेशियो एट बाई कितना लिखना पड़ेगा एट बाई टेन कितना होगा देखो <laughs> कितना हो रहा है ये एट थाउजेंड एट थाउजेंड इंटू एट ठीक है ये हो गया बिल्डिंग का अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है हम तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चल रहे हैं तो सीक्वेंस में चलते हैं अच्छा इसके बाद है बिल्डिंग के बाद सेल्स यहाँ नहीं आएगा सेल्स रिटर्न यहाँ नहीं आएगा मेटेरियल परचेस फ्रेट ये सब हो चुका है ये सब नहीं चाहिए हमें डायरेक्ट लेबर वन लैख सिक्सटी वो प्राइम कॉस्ट में चला गया इनडायरेक्ट लेबर आएगा एटीन थाउजेंड इनडायरेक्ट लेबर एटीन थाउजेंड और इसमें भी था, ये भी एड हो जाएगा लेबर ठीक है तो लेबर कितना था एक्रूड लेबर था इनडायरेक्ट का ट्वेल्व हंड्रेड तो ये भी ऐड हो जाएगा अच्छा नेक्स्ट कौन सा खर्चा आएगा डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री सुपरविजन ये आ जाएगा टेन थाउजेंड so, हो जाएगा फैक्ट्री सुपरविजन के बाद फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपोर्टीन थाउजेंड फैक्ट्री रिपेयर एंड अपकीप की थाउजेंड अच्छा अब हीट लाइट पावर इसको भी कुछ बोला गया था तो ये देखो हीट लाइट पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एट इज टू वन टू वन और सेम फैक्ट्री ये डेप्रिशिएशन को भी वैसे ही बोला गया था तो इसमें भी हीट लाइट एंड पावर ये लिख लेते हैं फैक्ट्री का एट बाई टेन हो जाएगा सेम रेशियो है और कितना अमाउंट है देख लेते हैं हीट लाइट एंड पावर सिक्सटी फाइव थाउजेंड ये कितना हो जाएगा देखो सिक्सटी फाइव थाउजेंड ये हो गया सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू एट कितना होता है सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू एट फिफ्टी टू थाउजेंड होगा ठीक है फिफ्टी टू थाउजेंड हो गया हीट लाइट एंड पावर अच्छा रेट्स एंड टैक्सेस रेट्स एंड टैक्सेस कुछ नहीं बोला है तो फैक्ट्री में जा सकता है देख लेते हैं कुछ बोला है नीचे हाँ रेट्स एंड टैक्सेस टू थर्ड टू द फैक्ट्री बोला है तो रेट्स एंड टैक्सेस टू थर्ड टू द फैक्ट्री तो टोटल का टू थर्ड तो टोटल कितना है सिक्स थ्री डबल जीरो फोर फोर टू जीरो जीरो आ रहा है रेट्स एंड टैक्सेस अच्छा मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अच्छा ये हो गया सेल्स कमीशन नहीं आएगा सेल्स ट्रैवलिंग सेल्स प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफिस सैलरी इंटरेस्ट ऑन बॉरिट फंड ये सब कुछ भी नहीं आएगा चलो अब ये पूरा ऐड करते हैं इसके बाद यहाँ पर फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू तो आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है फिर इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू दोनों ही दिया हुआ है तो आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे ठीक है तो पहले इसका टोटल करना पड़ेगा तो काफी सारा डेटा एक बार टोटल करके मुझे बता दो फोर सिक्स जीरो फाइव जीरो पहले ये वाला है फैक्ट्री ओवर एट पहले टोटल करना है मुझे सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस एटीन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड प्लस

तो ये हो जाता है वन लैख सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन लाख सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी इसको हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं ठीक है थीके? अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ भीड करेंगे मतलब इस बार प्रोडक्शन का इतना खर्चा हुआ है फैक्ट्री में ठीक है मतलब जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे थे प्रीवियसली टू लैख रुपीज का डब्ल्यू हो रखा है मतलब कुछ गुड्स जिसपे कुछ नेचर ऑफ रॉ मेटेरियल और जो है लेबर का टू लैख तक का खर्चा हो रखा है जिसको अभी हम लोग फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना चाहेंगे तो टोटल खर्चा हो रहा है थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी हो गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और क्लोजिंग डब्ल्यू जो इस बार सेमी फिनिश्ड होकर रह गया उसका वैल्यू है वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड ठीक है तो ये हो जाएगा वन लैख सेवेंटी एट ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं वन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी ठीक है ये हो जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट अब इसपे क्या ऐड हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट इसमें भी काफी सारा लिस्ट हो जाएगा बहुत सारा डिटेल्स है अच्छा देखते हैं क्या क्या है फिनिश गुड्स यहाँ एडजस्ट करेंगे ऑफिस एप्लाइंसेस 17,400 ये भी क्या होता है फिक्स्ड एसेट इसका डेप्रीशन लगेगा तो डेप्रीशन ऑन ऑफिस एप्लाइंसेस वैल्यू कितना है वैल्यू है 17,400 और इस पे डेप्रीशन कितना लग रहा है नहीं सॉरी फाइव फाइव परसेंट एट सेवन जीरो जीरो होगा ठीक है एट सेवन एट, सेवें एट सेवेंटी होगा हाँ एट सेवेंटी होगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं एट हंड्रेड सेवेंटी ये हो गया ऑफिस अप्लायंसेस उसके बाद है ऑफिस अप्लायसेस के बाद है यहाँ पर बिल्डिंग बिल्डिंग भी यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग में भी जाएगा तो बिल्डिंग का लिख लेते हैं बिल्डिंग डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग ठीक है डेप्रीशियशन ऑन बिल्डिंग तो ये कितना था पहले देखो यहाँ पर टू लैख ,00 का फोर परसेंट ये तो यहाँ पर भी होगा टू लैख ,00 इसका फोर परसेंट ये टोटल है और डिवाइडेड बाय टेन और ये शायद वन था वन बाई टेन था एक बार चेक करते मुझे जितना याद आ रहा है एट वन 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 था शायद हाँ एट वन 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 अच्छा तो ये हो जाएगा एट थाउजेंड और टेन मतलब एट हंड्रेड शायद हाँ एट हंड्रेड हो रहा है अच्छा ऑफिस बिल्डिंग के बाद सेल सेल्स ये सब नहीं आएगा डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट फैक्ट्री फैक्ट्री रिपेयर हीट लाइट एंड पावर हीट लाइट एंड पावर ये आ जाएगा हीट लाइट एंड पावर इसका था बैक हाँ, थी। और इस पे क्या रेशियो था रेशियो तो वही था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट क्या सिर्फ रेशियो के हिसाब से करना था हम लोगों को हाँ सिर्फ रेशियो के हिसाब से करना था एट वन 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 था मतलब वन बाई टेन मतलब ये सिक्स फाइव जीरो जीरो ठीक है सिक्स फाइव जीरो जीरो आ रहा है अच्छा ये हो गया अः हीट लाइट अच्छा नेक्स्ट रेट्स एंड टैक्सेस इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा याद नहीं आ रहा है रेट्स एंड टैक्सेस हाँ इसमें होगा वन थर्ड ऑन ऑफिस तो रेट्स एंड टैक्सेस वन थर्ड ऑन ऑफिस वैल्यू है सिक्स थ्री डबल जीरो मतलब टू वन जीरो जीरो टू वन जीरो जीरो ठीक है? अच्छा रेट्स एंड टैक्सेस मिसलेनियस फैक्ट्री ये नहीं होगा अच्छा और क्या आएगा फिर क्या क्या लिखा मैंने चेक करते एक बार यहाँ पर लिखा है डिप्रीशियशन ऑन ऑफिस अप्लायसेस और डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग ये दो लिख लिया और लाइट और हीट पावर आ, यहाँ पर रेट्स टैक्सेस और एक सैलरी दिख रहा था मुझे सैलरी कहा चला गया अच्छा ये रहा सैलरी एंड वेजेस थाउजेंड अब इसमें भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था शायद सैलरी एंड वेजेस मुझे कहाँ दिख रहा है नीचे एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है तो ऑफिस सैलरी अच्छा ये रहा ऑफिस सैलरी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये अलग है अच्छा ये दे ही दिया है ऑफिस सैलरी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अच्छा और ये क्या था सैलरी एंड वेजेस ये वाला जो है ये कहा चला गया फिर से इधर उधर अभी अभी मैंने कुछ और भी देखा था ना ओ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड वेजेस ये तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जाएगा तब ठीक है और तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ आएगा अब ये टोटल कर लेंगे फिर यहाँ पर एड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ठीक है तो यहां पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अवेलेबल फॉर सेल ठीक है और यहां से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो आ जाएगा सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब एक बार टोटल करो तुम लोग कितना होता है 870 और 800 प्लस अच्छा फिर हो गया सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फिर टू वन जीरो जीरो फिर हो जाएगा एट सिक्स जीरो जीरो गलत लिख दिया था एट सिक्स जीरो 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 इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस बार जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका कॉस्ट और प्रीवियसली जो भी स्टॉक प्रोड्यूस्ड हो रखा था एज ए फिनिश्ड गुड्स वो भी हम लोग सेल कर सकते हैं यानी एट्टी थाउजेंड यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अब हम लोग के पास 18,870 कॉस्ट वाला गुड्स तो है ही बेचने के लिए साथ साथ हम लोगों के पास 80,000 पहले से यानी 98,870 रुपीस का स्टॉक है अवेलेबल फॉर सेल उसमें से हम लोगों ने जितना स्टॉक नहीं बेचा है वो भी पता है तो पता चल जाएगा कितना स्टॉक बेचा है तो ये है वन, वन, वन जीरो जीरो ठीक है तो ये ये क्या हुआ ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के बाद जितना आया वहां से ये नेगेटिव आ जा रहा है नेगेटिव आ जा रहा है। चलो, नेगेटिव आ आ जा जा रहा रहा है है चलो तो नेगेटिव ही लिख देंगे जो है वैसे ही लिखता है तीन जीरो तो ये हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी ये नेगेटिव आ रहा है ठीक है ये नेगेटिव आ रहा है अच्छा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे तब हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक मिनट अब अच्छा नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली ये भी तो ऐड होगा ना तब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये डायरेक्टली यहाँ पर इसके साथ एडजस्ट होगा तब आएगा थोड़ा सा मेरा गलत हो गया एक चीज देखो यहाँ पर मैंने जो लिखा था ये ठीक था फिर मैंने इसको यहाँ पर लिखा लेकिन ये चीजों का एडजस्टमेंट से होना चाहिए ना प्राइम कॉस्ट के सॉरी ये वाला जो आया नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट होना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं हम इसको एक काम करते ये जो नेगेटिव आया ये वैल्यू को यहाँ पर ये रहने देते हैं बट इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ना नीचे लिखते तब जाके ये ठीक हो जाएगा ये देखो यहाँ पर ये ऐड कर देते वन लैक सेवेंटी एट फाइव फाइव जीरो ठीक है तो ये भी तो एडजस्ट होना चाहिए एक्चुअली वन लैक सिक्सटी टू थाउजेंड वन लैक सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी यहाँ पर लिख देते अच्छा ये ऐड किया था मैंने देखो ये भी भूल जा रहा है एक बार देख लेते सारा चीज ऐड नहीं किया लग रहा है मैंने ये वाला एडिशन मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया था ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था रुको रुको थोड़ा सा इधर उधर हो गया इतना बड़ा है क्वेश्चन मतलब ये कॉलम एक एक्स्ट्रा बनाया था ना उसका यूटिलाइज ही नहीं किया मैंने वन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी ये हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं होगा ठीक है ये हम लोग का यहाँ पर लिख देना चाहिए वन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी अब ये इसमें एड हो जाएगा ये वाला तब जाके फैक्ट्री कॉस्ट आएगा क्योंकि प्राइम कॉस्ट से जब तक फैक्ट्री ओवर एड एड नहीं होता है तब तक फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आता है ठीक है ये फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है ये मैंने गलत लिख दिया देखो ये है फैक्ट्री ओवर ठीक है तुम लोगों ने भी नहीं बोला ये तो ओवरहेड का लिस्ट था इतना सारा कि इतना सारा फैक्ट्री का खर्चा है अब ये फैक्ट्री ओवरहेड के साथ हमें ये पहले ऐड करना चाहिए था फिर हमारा फैक्ट्री का ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू ग्रॉस फैक्ट्री का तब आता तो थोड़ा सा ठीक कर लेते देखो ये फैक्ट्री ओवर आया वन ठीक है तो ये एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था यहाँ आउटर में ठीक है यहाँ पर 1 lakh 70 thousand 550 इसका ट्रांसफर है 4 lakh 5 4 lakh 59200 ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 lakh 59200 ठीक है ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट अब इसमें ये फैक्ट्री ओवरेड ऐड करेंगे ठीक है तो 170550 तो ये हो जाएगा <laughs> 6 lakh 29750 यहाँ पर लिखेंगे ये सेकेंड वाले कॉलम में लिखते हैं 6 lakh ट्वेंटी नाइन सेवन फिफ्टी वो एड होके आ रहा है ये वाले कॉलम से एड होके आ रहा है ठीक है या फिर थर्ड नंबर वाले पे लिखते क्योंकि उधर तो थर्ड नंबर वाले पे लिखा हुआ है ठीक है तो तुम लोग हम यहाँ पर और एक कर लेते हैं ये हटा देते ठीक है ये थर्ड नंबर वाले पे आ गया फिफ्टी like, uh, like ये हम लोग का आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है ये हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट आ गया अब इस पे हम लोग एड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी ठीक है तो ये थोड़ा सा हटा के लिख देते है टू लैक और कुछ नहीं नहीं तो फिर इसका कंसेप्ट गलत हो जाएगा टू लैक like, तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा अब इस पे टू लैक एड करेंगे इसलिए वो नेगेटिव दिख रहा है नेगेटिव तो नहीं होता है ना इस तरह का वैल्यू एट लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी और वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड ये लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स लैख थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ये हम लोग का हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू के बाद ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया ठीक है ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट अब फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड होना चाहिए ये ये वाला नहीं होगा फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग का एड हो जाना चाहिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड एड होना चाहिए तो ये जो आया ना ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा ये हो गया ऑफिस ओवर का लिस्ट ठीक है ये हो गया ऑफिस ओवर एड ठीक है अब इस ये वाला इसमें ऐड होगा जीरो तो आ जाता है सिक्स लैख सिक्स लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है ये हम लोग का आ जाता है ऑफिस ओवर एड का लिस्ट ये ऐड होने से ये आ जाएगा हम लोग का ऑफिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर ये एट्टी थाउजेंड एड हो जाएगा इसको यहाँ लिख लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक लाइन नीचे लिखने से ठीक होता ठीक है एक लाइन नीचे लिखने से ठीक होता अभी तो लिख दिया है मैंने चलो 80000 यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 736620 ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये टोटल करने पे आएगा और यहां से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे तो ये आ जाता है सिक्स लैख ट्वेंटी वन सिक्स ट्वेंटी सिक्स लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी ये हम लोग का हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने इतना गुड्स बेच दिया ठीक है एक्चुअली गलत क्या हुआ तुम लोगों ने भी नहीं बताया मैंने यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ये फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया फैक्ट्री ओवर का ये लिस्ट है ये टोटल ऑफ फैक्ट्री ओवर है अब ये फैक्ट्री ओवरहेड में जब ये वाला एड होगा फोर लैख फिफ्टी नाइन टू हंड्रेड तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट ये वाला फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा एक एक लाइन ना नीचे करके लिखना पड़ेगा ये ये जो है ये आउटर में लिख के हम लोग ऐड कर देते तो भी चलेगा ठीक है तो तुम लोग थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से सही कर लो समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इतना सारा डेटा है प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवर का लिस्ट का टोटल होगा ठीक है तब जाके मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट फिर उसमें एडजस्टमेंट होना चाहिए तो वो चीज मैंने नहीं किया था मैंने इसको फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया तुम लोगों ने भी नहीं पूछा कुछ भी फैक्ट्री कॉस्ट थोड़ी नहीं ये तो फैक्ट्री ओवर का लिस्ट है अब इसमें ओपनिंग जैसे भी होगा एडजस्ट सारा हो गया यहाँ पर भी सेम गलत किया था मैंने ऑफिस ओवर है ये ये ऑफिस कॉस्ट नहीं है ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं ऑफिस ओवरहेड में ये फैक्ट्री कॉस्ट जब ऐड होगा सिक्स लैख थर्टी सेवन सेवन फिफ्टी तब जाके जो वैल्यू निकल के आएगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर उसमें एडजस्ट हो जाएगा अगर हमारा कुछ ओपनिंग क्लोजिंग है तो अब अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसका भी लिस्ट लिख लेंगे फिर उसमें एड कर लेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में क्या क्या है देखते uh, sale commission, commission है सेल्स कमीशन सेल्स कमीशन है यहाँ पर थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड सेल्स कमीशन थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड सेल्स ट्रैवलिंग इलेवन थाउजेंड सेल्स ट्रैवलिंग इलेवन थाउजेंड अच्छा सेल्स ट्रैवलिंग सेल्स प्रमोशन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंटल सैलरी वेजेस अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट सैलरी एंड वेजेस अच्छा ये है एटीन थाउजेंड और और यहाँ पर ऑफिस सैलरी ये सब तो चला गया ये एक खर्चा था रेट्स एंड टैक्सेस कौन सा एक खर्चा था जो हमें ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया था जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा ये हीट लाइट पावर हीट लाइट एंड पावर हीट लाइट एंड पावर हीट लाइट एंड पावर को वन बाई टेन से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वन बाई टेन से ठीक है अच्छा टोटल वन बाई टेन इंटू टोटल ऑफ हीट लाइट एंड पावर टोटल ऑफ हीट लाइट एंड पावर कितना थाउजेंड तो ये हो जाएगा सिक्स फाइव जीरो जीरो सिक्स फाइव जीरो जीरो हिट लाइट एंड पावर अच्छा और एक क्या था और हो जाएगा बिल्डिंग बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन ये भी देना चाहिए यहां पर बोला था बिल्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग ये भी वन बाई टेन हो जाएगा और डेप्रीशियशन था शायद एट थाउजेंड हुआ था तो एट हंड्रेड हो जाएगा हाँ एट हंड्रेड हो जाएगा अब ये टोटल करके मुझे लिखना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट का टोटल ठीक है इसको अगर हम लिख देंगे कि से कॉस्ट ऑफ सेल्स तब तो गलत हो जाएगा तो पहले टोटल करते थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड प्लस इलेवन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस एटीन थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड तो ये हो जाएगा 92,400 टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है ये नाइनटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इसको हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ एड हो जाएगा तब हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अब ये आउटर में करके हम लोग एड कर देंगे ठीक है ये आउटर में करके हम लोग एड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो ये डायरेक्ट ऐसे आउटर में लिखो और एड कर दो एड करने से सिक्स लैख ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी से एड होगा एड करने से सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी हो जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है इसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट uh, अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर शीट प्रिपेयर करने बोला था और क्या बोला था कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट तो हम लोग को सेल्स और सेल्स रिटर्न एडजस्ट करने से ही मिलेगा ठीक है तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स अब हम लोग सेल्स से इनकम देख लेते हैं सेल करके कितना इनकम हुआ है सेल्स करके सेवन लैक्स सिक्सटी एट और सेल्स रिटर्न फोर्टीन थाउजेंड ठीक है तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख लेते हैं सेल्स इनकम सेवन लैक्स सिक्सटी एट थाउजेंड ठीक है लेस कर लेते हैं रिटर्न सेल का सेल से रिटर्न भी हो गया तो उतना का अर्निंग तो नहीं होगा यानी नेट सेल्स फोर्टीन थाउजेंड नेट सेल्स पहले चेक कर लेते हैं कितना होगा नेट सेल्स सेवन लैक्स सिक्सटी एट थाउजेंड माइनस वन फोर फोर्टीन थाउजेंड तो ये हो गया सेवन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड ठीक है सेवन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड हो गया हम लोग का नेट सेल्स अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो हमें क्या करना पड़ेगा ये हो गया 000, और इसके नीचे हम लोग यहाँ पर एड कर देंगे प्रॉफिट और यहाँ पर दिखा देंगे नेट सेल्स ठीक है क्योंकि जितना सेल हुआ एक्चुअली उसी पे प्रॉफिट हो सकता है सेवन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड इससे लेस कर दो बैलेंस करके आ जाएगा सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी तो सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी ये हो गया और यहां से हम लोग माइनस कर देंगे सेवन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड तो थर्टी नाइन थर्टी नाइन थाउजेंड 980 लेकिन ये जो है 39980 ये कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट है मतलब प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स होने का खर्चा जो भी हुआ था और जितने भी हम लोगों ने जितना भी सेल किया उसका बैलेंस ये हो गया बैलेंसिंग फिगर में ये प्रॉफिट हो रहा है कॉस्टिंग प्रॉफिट बट ये फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखो बोला था कि एक प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बना के दो ठीक है

यहाँ से हम लोग क्या लेस करेंगे यहाँ से हम लोग लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये वाला सेवन लैखीन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी अगर ये लेस करेंगे ये ही वाला आएगा चेक कर लो सेवन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड माइनस सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी तो ये हो गया थर्टी नाइन थाउजेंड 980 ठीक है जो यहाँ पर आया था फिर डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस करेंगे ना ये क्या आता है ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट सोचो तुम लोग ट्रेडिंग तो बनाते ही हो ठीक है अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट में <laughs> सेल्स से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ से मतलब ये ट्रेडिंग हो गया ना बाई सेल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है रिटर्न वगैरह एडजस्ट करने के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लेस कर देंगे ऐसा कोई एक्सपेंसेस या फिर ऐड करना पड़ेगा ऐसा कोई इनकम जो तुम लोग पीएल में लिखते हो तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का खर्चा था लाइक इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो की है टू थाउजेंड ठीक है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मतलब जो तुम लोग पीएल में लिखते हो कुछ लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट तो लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इंटरेस्ट ऑन बोरिंग लेस हो जाएगा टू थाउजेंड और इसमें एक एक्रूड भी था ठीक है तो यहाँ पर एक्रूड बोल रखा था इंटरेस्ट टू थाउजेंड तो अगर तुम लोग इसको टी शेप में करते हो तो फिर 2000 भी वहां ऐड करना पड़ेगा कि हम लोग का टू थाउजेंड का खर्चा नहीं 4000 है तो वो एड होता है एक्चुअली टोटल एक्सपेंसेज फोर थाउजेंड वहाँ फोर थाउजेंड लेस करना पड़ेगा हम यहाँ पर लेस करके दिखा रहे अगर तुम लोग को इस तरह से समझने में प्रॉब्लम होता है कोई बात नहीं तुम लोग एक काम कर सकते हो यहाँ पर एक्सपेंसेस का हेडिंग करके टोटल करके आउटर कॉलम में से दिखा सकते हो ठीक है हम ऐसे ही कर देते हैं ये देखो एक्सपेंसेस कर दिया मैंने बाद में ही लेस कर देंगे लेस एक्सपेंस बोल के यहाँ पर हेड कर देते हैं ठीक है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फिर ये इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा अगर समझने में दिक्कत होता है तो प्लस एक्ट

नाइन एट्टी और अकॉर्डिंग टू जो कॉस्ट बुक है उसके हिसाब से थर्टी नाइन 980, आगे जाके तुम को एक चैप्टर मिलेगा रिकनसिलेशन जैसे यहाँ तो क्युं पर, हाँ पर नहीं आया बाकी सब एक ही जैसा है ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फाइनेंस का पार्ट होता है क्योंकि हम लोग शीट में सिर्फ और सिर्फ रॉ मेटेरियल से फिनिश गुड्स तक का जो मतलब पूरा प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं तो इंटरेस्ट ऑन के साथ ना प्रोडक्शन का कोई रिलेशन नहीं है अगर हम लोगों ने लोन ले लिया है तो प्रोडक्शन करो ना करो सेल करो ना करो लोन का इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा अगर लोन लेने के बाद एक साल बाद प्रोडक्शन शुरू किया तो क्या इंटरेस्ट बंद हो जाता है नहीं तो ये चीज जो है ये फाइनेंशियल इंपैक्ट लाता है इसके साथ प्रोडक्शन का कोई रिलेशन नहीं इसीलिए यह फाइनेंशियल बुक में आता है बट ये यहां पर नहीं आता ऐसे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिखवाया भी था ऐसे एक्सपेंसेस जो यहाँ पर नहीं आएंगे तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग का रहेगा कि डिफरेंसेस क्यों दिख रहा है नेट प्रॉफिट

तो जो भी हो ये क्वेश्चन काफी बड़ा था तो हम लोग का कंप्लीट हुआ चलो भी अब इलास्ट्रेशन फाइव देखते हैं क्या बोला है देखो पी आर लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स टिपिकल ब्रांड ऑफ टिफिन बॉक्स अंडर इट्स इट्स ओन ब्रांड नेम होगा ठीक है तो जो भी हो तो इन्होंने अपना टिफिन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रखा है द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज वन लैख ट्वेंटी जब प्लांट इंस्टॉल्ड किया गया था तब उसका कैपेसिटी था वन लैख ट्वेंटी पर ईयर डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर इसका मतलब है कि ट्वेल्व हंड्रेड यूनिट पर ईयर ये प्लांट से प्रोडक्शन मिस सकता है और एक साल में वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट और इवेनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर कैलेंडर ईयर मतलब वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अगर कैलेंडर ईयर यानी ट्वेल्व मंथ होता है वैसे भी ईयर मतलब ट्वेल्व होता है चाहे कैलेंडर ले लो चाहे फाइनेंशियल ले लो तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ट्वेल्व मतलब तो से डिवाइड करेंगे इस लाइन से यही पता चला वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ये बोल दिया तभी हम ट्वेल्व से डिवाइड कर पाए अदरवाइज नहीं कर पाते क्योंकि ट्वेल्थ से डिवाइड करने का मतलब पर मंथ अगर इवेंटली है तभी टेन थाउजेंड पर मंथ ना नहीं तो

500 per month up to 50 and 2500 पर मंथ अप तू 50% कैपेसिटी एंड एडिशनल 2500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड और पार्ट देर ऑफ़ द प्लांट वाज़ ऑपरेटेड एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेवन मंथ ऑन द कैलेंडर ईयर 16 एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेइंग मंथ ऑफ़ द ईयर ठीक है अच्छा तो क्या क्या डिटेल्स मिला कुछ तो हमें रॉ मेटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस फिक्स्ड ओवर एड वेरिएबल ओवर एड ये सब पता चला और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ सेमी वेरिएबल खर्चे भी बता रखे कि किस कंडीशन पे वो सेमी वेरिएबल है और एक चीज बताया है कि प्लांट जो है उसको कैसे ऑपरेट किया गया है साल के पहले मंथ्स फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी हुआ है और बाकी बचे मंथ्स यानी बात हो रहा है क्योंकि रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर बोला है तो रिमेनिंग मंथ ऑफ ईयर फाइव होता है क्योंकि टोटल ट्वेल्व मंथ्स होता है तो हंड्रेड कैपेसिटी में यूटिलाइज हुआ है पीरियड फर्स जैन टू थाउजेंड टू थर्टी

अलग अलग कॉस्ट शीट बना के देना पड़ेगा ठीक है तो ये भी थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है देखते हैं कैसे होगा देखो इलास्ट्रेशन फाइव तो क्वास्टशीट बनाना है ये तो पता चल ही रहा है और दूसरा बात है हम नेक्स्ट पेज में कर रहे यहां पर होगा भी नहीं बनाना है और वो भी अलग टाइम पीरियड के हिसाब से बनाना है पहले सेवन मंथ्स और नेक्स्ट तो लिखते हैं क्वेश्चन पीरियड टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है period, 2016, अच्छा अब यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स यहां पर हो जाएगा पहले पहले देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे <laughs> पहला बात है तो यहाँ पहला टाइम ड्यूरेशन सेवन मंथ्स लिखना पड़ेगा सेवन मंथ्स कब से कब तक वो लिख सकते हैं और पहले सेवन मंथ्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो था वो भी लिखना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इजेशन अच्छा तो ये कितना होगा पर मंथ के हिसाब से यूनिट देखना पड़ेगा फॉर सेवेन मंथस फ्रॉम फर्स्ट जेन टू थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई ठीक है अच्छा तो इसका प्लांट का टोटल कैपेसिटी है, है, अच्छा, है? है, है तो सात महीने में कितना प्रोडक्शन होगा फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिर चेक करेंगे कि हम लोग का प्रोडक्शन अभी कैसे चलता है टेन थाउजेंड पर मंथ ठीक है तो फिर टेन थाउजेंड इंटू सेवन कितना होगा बता सकते हो टेन थाउजेंड इंटू सेवन मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोला है वो तो हम लोग करेंगे ही प्लांट का जब प्लांट को इंस्टॉल्ड किया गया था जब भी कोई मशीन खरीदते हो तो उसका एक कैपेसिटी देखते हैं ना हम लोग घर पे एक्वागर्ड भी कभी लोगे तो उसका भी कैपेसिटी देखना पड़ता है कि कितना दिन चलेगा कोई भी मशीन लो मोबाइल का ये थोड़ी ना कि एक मोबाइल ले लिया तो जिंदगी भर चलेगा क्यों नहीं चलता है क्योंकि उसका एक कैपेसिटी होता है ना कि वो पांच साल सात साल कैसे चलेगा और बाकी अपने यूज के ऊपर होता है तो ये जो वन है ये इवेल प्रोडक्ट

पर लिख ले इनटू कितना हो जाएगा सेवेंटी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट थर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट यानी थर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट के ऊपर कैलकुलेशंस यहाँ पर हमें करना पड़ेगा अब यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट वाला ठीक है तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट कैसे यूटिलाइज करना है बचा हुआ बाकी फाइव मंथ्स और नेक्स्ट मंथ पे देखो हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज होगा फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे यहाँ फिफ्टी परसेंट लिखा था यहाँ पर लिखते हैं हंड्रेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा नॉर्मल नॉर्मल यूटिलाइजेशन कितना है टेन पर मंथ के हिसाब से फाइव मंथ्स का ठीक तो है, है तो जितना फिफ्टी थाउजेंड ही प्रोडक्शन हो सकता है टेन थाउजेंड पर मंथ के हिसाब से तो फिफ्टी थाउजेंड फॉर फाइव मंथ ठीक है फॉर फाइव मंथ फ्रॉम अगस्त से लेके डिसम्बर तक थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर तक ठीक है ये हो जाएगा अब पहले ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी जाके हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे ठीक है अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या खर्चा है डायरेक्ट रॉ मेटेरियल पर यूनिट बता दिया है बाकी चीज आसान है ठीक है अब लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रॉ मेटेरियल एट द रेट ऑफ 20. तो फिर यहाँ पर कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है 35,000. 35 into two होता है 70. तो ये हो जाएगा seven lakh ,00 हो जाएगा. बाकी जो जीरोज है वो लिख तो यहाँ पर हो जाएगा seven lakh. Seven lakh होगा तो मैंने एक जीरो शायद ज़्यादा लिख दिया. Seven lakh. ठीक है. ,00 और 20 और यहाँ पर है 50,000. ये हो जाएगा one lakh. ,00 यहाँ पर one lakh ,00 हो जाएगा टेन लैख हो जाएगा फाइव इंटू टू टेन और यहां पर चार और एक पांच जीरो हाँ टेन लैख हो जाएगा ठीक है फिर हो जाएगा डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर का कितना बोल रखा है पर यूनिट ट्वेल्व करके बता रखा है एट द रेट ऑफ ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू थर्टी फाइव तो जीरो 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 फोर लैख ट्वेंटी फोर्टी टू आ रहा है तो फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी और बाकी जीरो सिक्स लैख हो जाएगा ठीक है ये हो गया सिक्स लैख अच्छा फिर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा था टू रुपीज करके एट द रेट ऑफ टू तो टू इंटू थर्टी फाइव मतलब टू इंटू थर्टी फाइव मतलब सेवन टी थाउजेंड हो जाएगा ठीक है और ये वन लैख हो जाएगा ये वन लैख हो जाएगा ठीक है अच्छा अब ये सब मिला के हो जाएगा प्राइम कॉस्ट और ये हो जाएगा, 10 और मतलब ये हो गया, 17 प्राइम हो गया अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ओवर रेट अब फैक्ट्री ओवर एट कैसे दे रखा है वेरियबल ओवर रेट दे रखा है ठीक है तो लिखते हैं पहले वेरिएबल ओवर जब ओवर में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो फैक्ट्री में ही देना चाहिए ठीक है ओवर तो प्रोडक्शन भी होता है मतलब फैक्ट्री ऑफिस भी होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं बोला है तो फैक्ट्री 16 पर यूनिट तो 16 इंटू यहाँ पर 35 तो 16 इंटू थर्टी फाइव सिक्सटीन इंटू तो ये हो गया 560 मतलब फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड अच्छा और यहाँ पर हो जाएगा एट द रेट ऑफ सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू फिफ्टी तो ये हो जाएगा एट लैख फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे फिक्स्ड ओवर इट फिक्स्ड ओवर कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पर बोला है थ्री लैख अच्छा मुझे तो वन ईयर पूरा पूरा दे है, है? तो में थ्री लैख का फिक्स्ड ओवर रेट बोल रखा है फॉर वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट अब ये वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट प्रोडक्शन करो या ना करो ठीक है हमें थ्री लैख का फिक्स्ड ओवर रेट देना पड़ेगा जैसे अगर वन लैख ट्वेंटी नहीं हो रहा है अगर तुम लोग देखो तो वन लाख ट्वेंटी शायद नहीं होगा क्योंकि मतलब लेकिन नहीं कर रहे वो कंपनी का पॉलिसी है तो फिक्स रेट थ्री लाख है तो ये तो लगेगा ही लगेगा किसी भी तरह से चाहे कम प्रोडक्शन करो चाहे बेसिक प्रोडक्शन करो तो हम लोग इसको अपोर्शन कैसे करेंगे मंथ के हिसाब से कर देंगे ठीक है मंथ के हिसाब से करेंगे दो जगह पे दिखाने है, तो 3 ,00 ,00 into 7 by 12 कर देंगे, ठीक है? पूरे ट्वेल्व का ही इतना खर्चा लगेगा। Production कम करो या करो। या ज़्यादा तो fixed है, तो क्योंकि ये ये है, यानी हो जाएगा ,00, और बाकी ये यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से कर सकते थ्री लैख इंटू फाइव बाई ट्वेल्व करके ठीक है थ्री लैख इंटू फाइव बाई ट्वेल्व करके कर सकते हो या फिर माइनस कर देने से भी आ जाएगा एक ही बात है ठीक है वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और डिवाइड करने से भी इतना होगा तो ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड ओवर रेट ये सब ऐड करेंगे अच्छा एक सेमी वेरिएबल भी था चलो यहाँ पर बता रखा है देखो आ, सेलिंग प्राइस यहाँ कुछ बता रखा था सेमी वेरिएबल द प्लांट वाज ऑपरेटिंग एट 50% परसेंट कैपेसिटी फॉर द सेवन मंथ्स यहाँ पर ये यह रहा Or part rauf, तो क्लियरली तो बता दिया से थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ करके सेमी वेरिएबल खर्चा कंसिडर होगा अपटू फिफ्टी 50% कैपेसिटी तो पहले तो हम लोग का 50% परसेंट कैपेसिटी इतना तक है तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर सेमी वेरिएबल तो कैसे होगा? ड्रेड पर मंथ बता दिया है ठीक है तो ये तो फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेवन मंथ होता है तो सेवेंटी फाइव इंटू सेवन कर लो तो फाइव लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो जाएगा फाइव लैक नहीं फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड होगा क्योंकि ये सेवन फाइव जीरो जीरो है ठीक है तो इतना करके फिर बोला है एंड एडिशनल टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ ये तो है ही और उसके साथ साथ एडिशनल ट्वेंटी और पार्ट देयर ऑफ तो फिफ्टी परसेंट पे और भी ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब होता है सेवेंटी फाइव परसेंट लेकिन नेक्स्ट तो हम लोग हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे तब कैसे होगा यहाँ पर हमें बोला है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ करके

के लिए 7500 और हर एक एडिशनल 25% के लिए 2500 एंड uh, इसके बाद और एक यहाँ पर 2500 ठीक है तो टोटल इतना हो गया पर मंथ और ऐसे करके 5 मंथ्स ठीक है तो ये हुआ कैलकुलेशन फिर से एक बार बता देते 7500 पर मंथ करके जब तक हम लोग 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं और एडिशनल लगेगा अगर हम लोग उससे ज्यादा एक भी 25% कैपेसिटी यू यूटिलाइज करते हैं तो 2500 पर मंथ एक्स्ट्रा हो जाएगा ठीक है तो 25 परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक बार बढ़ने पे 2500 पर मंथ तो 7500 तो है ही एंड ये वाला तो इससे तो कंप्लीट नहीं होता है 100 और एक 25 परसेंट बढ़ा यानी और 2500 यानी ये टोटल पर मंथ लगेगा 5 मंथ्स के लिए तो इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू फाइव डबल जीरो प्लस टू फाइव डबल जीरो मंथ मतलब सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव मतलब सिक्स लैख तो नहीं होगा जीरो जीरो है मतलब सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड होगा ठीक है सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड ये हम लोग का हो गया फैक्ट्री ओवर इट और इसके बाद हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है डेटा तो यही हो जाएगा टोटल कॉस्ट अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस एट जीरो जीरो प्लस वन सेवन जीरो जीरो वन सेवन जीरो जीरो तो ये हो जाएगा थ्री टू फाइव नहीं कुछ गलत हो गया लग रहा है सेवनटीन लैख प्लस एट लैख प्लस वन लैख ट्वेंटी फाइव सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड हाँ गलत हुआ था चलो ठीक है ट्वेंटी सिक्स लैख एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अच्छा इलेवन नाइनटी फाइव लैख सिक्सटी प्लस उजेंड लिख दिया ना मैंने ये होगा फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड तो नाइनटीन लैख गलत हो रहा था इसलिए इसीलिए 500 ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट क्योंकि देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इस तरह का कोई खर्चा हमारे पास अवेलेबल नहीं था ठीक है अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि पहले सिक्स मंथ्स का सेवन मंथ्स का 69 करके फिक्स्ड किया गया था पर यूनिट सेल के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं कितना होगा तो यहाँ सेलिंग प्राइस हम लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे जो डिटेल्स दे रखा है एट द रेट अब 69 और कितना यूनिट बिक जाएगा यहाँ पर 35, 000 तो 35 इनटू 69 कितना हो जाएगा 24 लक 15, 000 तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा माइनस 19, 77500 तो ये हो जाता है फोर लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है लेकिन टारगेट प्रॉफिट जो है टारगेट प्रॉफिट जो है वो एट लाख है और हमें क्वेश्चन बोला है कि अगर हमें वो प्रॉफिट का टारगेट फुलफिल करना है तो हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा मतलब यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट रखना पड़ेगा 8 एट लैख में से इतना हम लोगों ने रिकवर कर लिया है ठीक है टोटल पूरे साल का एट लैख है एट लैख में से फोर लैख थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड फर्स्ट सेवन मंथ्स में हम लोग कवर कर चुके हैं तो हमें थ्री लैख फाइव हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट हमें रिकवर करना पड़ेगा तो यहाँ पर इतना प्रॉफिट हमें करना पड़ेगा ये प्रॉफिट अमाउंट होना चाहिए ये वाला ठीक है ये प्रॉफिट अमाउंट हमारा होना चाहिए तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ये वैल्यू प्लस ट्वेंटी ंड्रेड तो ये हो जाएगा थर्टी लैख फिफ्टी थाउजेंड थर्टी लैख फिफ्टी थाउजेंड इतना सेल, आ, सेल हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगा यहाँ पर कितना यूनिट बेचने के लिए हमें अवेलेबिलिटी है फिफ्टी थाउजेंड तो सेलिंग प्राइस कितना करके होना चाहिए डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा डिवाइडेड बाई फिफ्टी थाउजेंड कर लो ठीक है तो इसका मतलब सिक्सटी वन रुपीज करके सेल करना पड़ेगा रुपीज सिक्सटी वन पर यूनिट करके अगर हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग एट लाख ,00 का टारगेट जो है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा पूरे साल का तो कॉस्ट शीट हम लोगों ने बना लिया सोइंग टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट अच्छा पर यूनिट कॉस्ट मैंने आ, अलग से कैलकुलेट नहीं किया चलो पर यूनिट का कॉलम नहीं किया यहाँ पर लिख देते हैं कोई बात नहीं पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा ये रहा नाइनटीन लैख सेवेंटी सेवन फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो पर यूनिट अगर तुम लोग यहाँ पर यूनिट का कॉलम बनाए हो तो तुम लोग को टोटल वहां पर भी मिल जाएगा और मेरे जैसे अलग से लिखने का जरूरत नहीं होगा और अगर नहीं बनाए हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर Twenty-six lakh eighty-seven thousand five hundred divided by fifty thousand. Fifty-three point seven five. सॉरी हा सेवन फाइव ठीक है मुझे लगा फाइव सेवन है फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ठीक है ये हो जाएगा तो कॉस्ट शीट भी बन गया और टोटल कॉस्ट तो बनाए था पर यूनिट वाला कॉलम भूल गए पर यूनिट का कॉलम बना सकते हो वहां पर मिल जाएगा नहीं तो जैसे किया है वैसे कर सकते हो और यहाँ पर बस और तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन से सिक्स ये हम लोग कर चुके हैं ठीक है अच्छा और यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन हो गया अब हम लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ये कुछ है तुम लोग देख सकते हो पर मैंने दिया था ये तो काफी लेंदी है ये अभी कंप्लीट नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा हो जाएगा टू ठीक है यहाँ से भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है यहाँ से क्या क्या बाकी है देखो ये जो लास्ट का क्वेश्चन बड़ा है मैंने बोला कि इसको मत करो काफी ज्यादा है मतलब अभी तो नहीं करवा पाएंगे इसलिए मैंने नहीं किया तुम लोग ये ट्राई करके देख सकते हो अभी हम इलास्ट्रेशन टू करवाते हैं और हमारा बाकी बस यही वाला क्वेश्चन है ये यहाँ वन बाकी है ठीक है वन टू थ्री और यहाँ पर एक ये वाला सबसे बड़ा है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल्स है इसमें इलास्ट्रेशन थ्री ये हम करवाएंगे ठीक है और यहाँ से इलास्ट्रेशन वन तुम लोग होमवर्क देख सकते हो इलास्ट्रेशन टू अभी हम करवा देते हैं, ये हो जाएगा इलास्ट्रेशन टू तो इलास्ट्रेशन टू का देखो क्या बोला है <laughs> यहां पर बोला फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज ओपनिंग इनवेंट्री रॉ मेटेरियल डब्लू आईपी फिनिश गज में रॉ मेटीरियल डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड्स कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा रॉ मेटेरियल परचेज जीएसटी पेड ऑन रॉ मेटीरियल परचेस आईटीसी अवेलेबल आईटीसी का मतलब तुम लोग टैक्स पढ़ते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो अगर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा बता सकते हो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा सेवन सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो देखो नॉर्मली टैक्स तो मैं हाँ बोलो लेस को तो अमाउंट सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड लेस करना पड़ेगा हम्म मतलब हमें टैक्स जो है उसका हमें क्रेडिट मिलने वाला है ठीक है तो ये हमारे कॉस्ट को क्या करेगा कम कर देगा ठीक है कम कर देगा वेजेस पेड पेड बोला है फिर देखो एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ट्रैवलिंग अलाउंस सेलिंग एक्सपेंसेस मशीन आवर्स वर्क बोला है मशीन आवर रेट बोला है यूनिट सोल्ड यूनिट प्रोड्यूस डिजायर प्रॉफिट ठीक है चलो एक एक करना स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग को रॉ मेटेरियल कंज्यूम लिखना पड़ेगा तो इलास्ट्रेशन टू कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज फॉर द मंथ यूनिट प्रोड्यूस्ड करेंटली कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है प्रीवियसली भी कुछ इन लोग के पास है ठीक है अच्छा करेंटली इन्होंने प्रोड्यूस्ड किया है यूनिट सोल्ड बोला है प्रोड्यूस्ड वन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड ठीक है और सोल्ड है सोल्ड है वन लैख सिक्सटी मतलब क्लोजिंग स्टॉक होगा ये तो समझ में आ रहा है लेकिन ओपनिंग स्टॉक भी है तो सिर्फ ये दोनों का डिफरेंस ही क्लोजिंग स्टॉक होगा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते ठीक है sale है क्योंकि जो सेल हुआ उसमें से हो सकता है ठीक है, है, है तो ये बैलेंस करने से क्लोजिंग स्टॉक आएगा ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी था तो जो यूनिट सोल्ड हुआ है अगर ओपनिंग स्टॉक से हुआ है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक तो हमें समझ के देखना पड़ेगा ना कितना होगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर रूपीज रूपीज कॉस्ट पर यूनिट रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल ठीक है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल लिखना पड़ता है था हम लोग के पास यहां पर देखो ट्वेल्व लैक प्लस रॉ मेटेरियल चेस्ड तो परचेज का कितना है देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल है फोर्टीन फोर्टीन लैख है फिर यहाँ पर ओ रॉ मटेरियल परचेज ये मैंने क्या लिख लिया फोर्टीन लैख वो क्लोजिंग इन्वेंट्री था सॉरी वन वन करोड़ फोर्टी फोर लैख है ठीक है वन करोड़ फोर्टी फोर लैख है रॉ मेटेरियल परचेज ठीक है अच्छा अब लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल जो कि है फोर्टीन लाख था ठीक है फोर्टीन लाख था पहले ये नेट कर लेते हैं उसके बाद बाकी करेंगे यहाँ पर हो गया ट्वेल्व लैख और फोर्टीन लैख और वन फोर फोर मतलब वन वन करोड़ फोर्टी टू लैख यहाँ पर लिखते हैं वन करोड़ फोर्टी टू ठीक है अच्छा अब देखो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि हमें इस पे जो है क्रेडिट मिलने वाला है ठीक है तो ये हमें टैक्स ऐड करने का जरूरत नहीं है मतलब जीएसटी पेड ऑन रॉ मेटेरियल इतना पेड किया हुआ है तो ये हमारा अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो हम लोग को इस पे अगर क्रेडिट अवेलेबल होता है तो ये यहाँ पर हमें ऐड करने का जरूरत नहीं है ये हमें क्रेडिट मिल जाएगा मतलब नॉर्मली क्या होता है देखो नॉर्मली हम लोग टैक्स पे करके लेते हैं तो ये हम लोग टैक्स मतलब ऐड करेंगे फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो लेस करेंगे सोचो अगर तुम लोग इसका एडजस्टमेंट दिखाना चाहते हो ठीक है ये पहले ऐड करना पड़ेगा इतना मेटेरियल खरीदे हो यहाँ पर टैक्स दियो अब बोल रहे हैं कि इस पर क्रेडिट मिलेगा तो इतना ही हमारा लेस हो जाएगा पहले तो ऐड करेंगे ना फिर तो लेस करेंगे तो इसका एडजस्टमेंट अगर नहीं भी दिखाते हो तो भी चलेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जीरो ही आएगा इसीलिए नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा नहीं दिखाना पड़ेगा इसीलिए आईटी अगर अवेलेबल होता है तो उसको ट्रीटमेंट यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स देने का मतलब है ये कॉस्ट में तो टैक्स इंक्लूडेड नहीं है ऐसा तो नहीं बोला कि इंक्लूडिंग टैक्स अगर इंक्लूडिंग होता तब हम लोगों को माइनस सेवन लाख ट्वेंटी और वैल्यूज अलग आता तो वहां दिखाना जरूरी था अब यहाँ पर अगर दिखाना जाओ तो दिखा सकते हो पहले तो जीएसटी पे की हो तो मेटेरियल uh, का प्राइस बढ़ा है उसको एड करोगे अब अगर क्रेडिट मिलेगा तो उसे लेस करोगे क्योंकि इसमें तो जीएसटी इंक्लूडेड है नहीं तो इसका मतलब ये ओवरऑल इतना ही रह जाएगा तो फिर अगर हम लोग नहीं भी दिखाते हैं तो भी चलेगा और उसका नोट दे देना आई से अवेलेबल है और रॉ मटेरियल जो है वो जीएसटी के साथ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें जीएसटी एड करते और फिर लेस करते तो ओवरऑल बात एक ही होता तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको इग्नोर कर दिया मतलब उसको यहाँ पर अलग से दिखाया नहीं बाकी कंसेप्ट सही बोले हो लेस होता है लेस होगा भी लेकिन हम लोग का यहाँ पर तो इंक्लूडेड नहीं है पहले ऐड कर लेंगे फिर लेस करेंगे तो ऐड और लेस करने पे तो जीरो ही आएगा तो नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा अच्छा अब पर यूनिट निकालते हैं यहाँ पर हो गया 142 ये कितने यूनिट के लिए है अब डिवाइडेड बाय कितना यूनिट होगा 194 जितने के जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है ठीक है तो ये हो गया 142 1420000 डिवाइडेड बाय 194000 मतलब ये हो जाता है कुछ इतना 73.19 ठीक है सेवेंटी थ्री पॉइंट वन नाइन हो गया कॉस्ट अच्छा, हाँ पर यूनिट अच्छा अब यहाँ पर एड करेंगे वेजेस वेजेस देख लेते कितना है थर्टी सिक्स लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड थर्टी सिक्स लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोला था एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज ठीक है अब ये जो है एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज बोला है तो ये फैक्ट्री ओवर में हम लोग दे देते हैं सॉरी फैक्ट्री ओवर है इसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है तो अगर कहीं पर भी तुम लोग को ये मिले एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस चार्जेबल एक्सपेंस एक्सपेंस पेड फॉर यूटिलिटीज ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पर हो गया वन लैख फोर्टी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सिक्स कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ये भी कर लेते, देखते कितना होता है ये वाला थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय ये वाला फोर हंड्रेड वन एट्टी एट फोर हंड्रेड नहीं जाए ये नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड अच्छा थ्री सिक्स सिक्स फोर वन एट्टी एट आ रहा है वन एट्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड वन लाख हो जाएगा था मतलब और एक जीरो डिवाइड हो जाएगा 18, ये और एक जीरो मतलब कर देते कम लिखा था मैंने हो जाएगा, एक कम दिया था, यानी, 8, बोल सकते हैं क्योंकि एट के बाद सिक्स है ठीक है अच्छा वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव अच्छा अब प्राइम कॉस्ट ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एटीन पॉइंट एट नाइन प्लस सेवेंटी थ्री पॉइंट वन नाइन तो ये नाइन्टी टू नाइन्टी टू पॉइंट एट थ्री आ जा रहा है ठीक है अब ये टोटल कर लेते हैं वन फोर टू प्लस थ्री सिक्स सिक्स फोर प्लस वन फोर फाइव सिक्स जीरो जीरो अच्छा वन एट जीरो जीरो नाइन सिक्स जीरो जीरो ठीक है तो आई होप की सही कैलकुलेशन हो रहा है ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा फैक्ट्री ओवर एट हाँ ठीक है कैलकुलेशन ठीक हो ठीक <laughs> हुआ है फैक्ट्री ओवर एट चेक कर लेते हैं फैक्ट्रीवेटर hmm, ये रहा मशीन आवर्स वर्क ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट रुपीज करके ठीक है तो ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंटू एट वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है तो वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी और लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी तो ओपनिंग ऐड करने से आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लेस करने से आएगा ठीक है तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मतलब डब्ल्यू आई पी डब्लू आईपी क्लोजिंग वाला है सिक्सटीन जीरो फोर तीन जीरो सिक्सटीन जीरो फोर जीरो 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 अच्छा और ये जो है एटीन लाख ,00

ये कॉस्ट नहीं आया, ठीक है नेट फैक्ट्री कॉस्ट तो ये ऐड करने से आएगा ठीक है ये हो जाता है ग्रॉस फैक्ट्री ओवर एड क्यूँकी ओवर एड पे एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग ठीक है और ये हो गया नेट फैक्ट्री ओवर एड बोल सकते हो फिर ये यहाँ पर एडजस्ट करेंगे मतलब ये ऐड हो जाएगा वन एट जीरो जीरो नाइन सिक्स जीरो जीरो तो ये आ जाता है वन करोड़ एट्टी थ्री लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड ठीक है पर यूनिट भी निकाल लेते हैं तो ये हो गया पर यूनिट का वैल्यू नाइन्टी फोर पॉइंट सेवन थ्री नाइनटी फोर पॉइंट सेवन थी, थ्री ठीक है तो ये हम लोग का हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा ठीक है अच्छा अब हम लोग इस पर एड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट अगर हमारे पास है तो ठीक है तो ये देख लेते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट है, है कि नहीं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये है दे रखा है ट्वेंटी सिक्स लैख यहाँ पर दे रखा है ट्वेंटी सिक्स लैख ट्वेंटी सिक्स लैक कहा चला गया फिफ्टी टू थाउजेंड ठीक है अब देखो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर एड तो हम लोग इसको क्या मानेंगे इसको हम लोग एक्चुअली uh, ये क्वेश्चन मैंने जहां से लिया ना वहां पर इसे जनरल मान रखा है अब देखो तुम लोग दोनों तरह से कर सकते हो तुम लोग इसको जनरल मान के भी कर सकते हो या फिर रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान के भी कर सकते हो ठीक है अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हो तो यही पर एड हो जाएगा इसके बाद और अगर जनरल मान के करते

रिलेटेड प्रोडक्शन ठीक है अगर क्योंकि अभी नए प्रोसेस में ना इस तरह से बाइफर्केशन किया गया है तो अगर तुम लोग इसको जो है पुराने तरीके से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये फैक्ट्री एंड एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का रिलेटेड विथ प्रोडक्शन हम लोग मान के चल रहे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है ठीक है तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखते, है, <coughs> लिखते हैं वैल्यू ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू देखो क्या दे रखा है नाइन लैक सिक्सटी टेन थाउजेंड यूनिट के लिए फिर यहां पर लेस करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम लोग को नहीं पता कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं दे रखा है क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है ठीक है तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो यहां पर ये जो खर्चा हुआ है इसमें यूनिट कितना आया है पहले ये चेक करते हैं अभी तक हम लोगों ने जो भी खर्चा किया इसमें खर्चा हुआ है 94.73 ठीक है 94.73 पर यूनिट खर्चा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा होगा तो पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं कि क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है तो हम लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स था ओपनिंग स्टॉक में हम लोगों के पास टेन यूनिट्स था ठीक है फिर हम लोगों ने परचेस कितना सॉरी प्रोड्यूस्ड कितना किया है वन लैख नाइनटी फोर थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस्ड किया है. तो हम लोगों के पास अवेलेबल फॉर सेल था टू लैख फोर थाउजेंड दोनों का टोटल करके और हम लोगों ने सेल किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वन लैख सिक्सटी ठीक है सिर्फ वन लैख हम लोगों ने सेल किया है तो जो बच जाता है टू लाख फोर में से जो बच जाता है तो टू जीरो फोर माइनस वन सिक्सटी तो जो बच जाता है उसका क्वांटिटी हुआ फोर्टी फोर थाउजेंड तो ये फोर्टी फोर थाउजेंड यूनिट 44,000 यूनिट 44, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा और उसका वैल्यू है 94.73 करके हम लोग चेक करेंगे ठीक है क्योंकि इतना ही हम लोग का खर्चा लगा है इस पर 94.73 तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिन गुड्स ये हो जाएगा अब इसमें ना हमें इंटू करना पड़ेगा मैंने तो वो लेके किया ना मतलब थाउजेंड मतलब में नहीं लिया ना तो फोर्टी वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है ये लेस हो जाएगा ठीक है तो फिर हम लोग इसमें ये जो वैल्यू है करोड़ करोड़ सेवेंटी एट फोर हंड्रेड ये हो गया वन करोड़ एटी थ्री सेवेंटी एट फोर हंड्रेड प्लस नाइन लैख सिक्सटी माइनस फोर वन सिक्स एट सिक्स एट ये देखो यहाँ दिख रहा है फोर वन वन सिक्स एट ट्वेंटी ठीक है तो ये हो जाता है वन करोड़ फिफ्टी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड यहाँ पर लिखते हैं आउटर में वन करोड़ फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी ठीक है टू हंड्रेड एट्टी डिवाइडेड बाई पर यूनिट भी निकाल लेते हैं इसके साथ साथ वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड तो ये हो जाता है सेवेंटी एट पॉइंट यहाँ पर अच्छा ये अब वन लैख नाइंटी नहीं होगा अभी ये कितना यूनिट हो रहा है ये वन लैख सिक्सटी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया है ये निकल गया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ये कितना यूनिट से हम लोग वैल्यू करेंगे वन लैख सिक्सटी क्योंकि उजेंड तो नहीं होगा ये डिवाइडेड बाई वन लैख सिक्सटी थाउजेंड होगा ठीक है नाइन्टी फोर पॉइंट एट वन नाइनटी फोर पॉइंट एट वन कॉस्ट पर यूनिट ठीक है कॉस्ट पर यूनिट तो देखो ये वाला जो है कॉस्ट पर यूनिट ये तुम लोग को तभी समझ में आएगा अगर तुम लोग फर्स्ट वाला क्लास कर रखे हो वहां पर मैंने क्वेश्चन बताया था अभी क्या होता है ना जनरल ad, और एडमिन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग जनरल और फैक्ट्री ओवर दोनों में डिवाइड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बताया तुम लोग कुछ भी एक्सम्सन कर सकते हैं अगर तुम लोग इसको फैक्ट्री का खर्चा मान लेते प्रोडक्शन से रिलेटेड तो यहाँ पर पहले ट्वेंटी सिक्स लैख फिफ्टी टू एड कर देते फिर ये एडजस्टमेंट कर लेते क्योंकि मैंने इसको जनरल मान के किया है वैसा करने का तुम लोग का हैबिट नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने पहले क्वेश्चित कर रखा है तब ऐसा फॉर्मेट नहीं था तो अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो फिर लिखा जाता है इसलिए हम नीचे लिखेंगे ठीक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखेंगे और उसके साथ लिखेंगे पहले यहां पर लिख लेते हैं देखो यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड हम यहाँ पर नोट दे देते हैं ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं जनरल टू बी एज्यूम्ड मैंने एज्यूम्ड किया है कि ये खर्चा जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है ट्वेंटी सिक्स लैख्टी टू थाउजेंड यहाँ पर लिख लेते हैं ट्वेंटी सिक्स लैख फिफ्टी टू थाउजेंड अब इसके नीचे नीचे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता जाएगा जिसमें से ट्रैवलिंग अलाउंस वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड ट्रैवलिंग वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड और कुछ है तो आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस सिक्स लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है ये सब टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है और फिर ऐड हो जाएगा प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लेते कितना होगा वन फाइव वन सेवन जीरो टू एट जीरो प्लस ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी टू जीरो 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 प्लस वन टू वन जीरो 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 प्लस सिक्स फोर सिक्स जीरो 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 तो ये हो गया एट्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय वन लैख सिक्सटी थाउजेंड कर लेते हैं तो यहाँ पर पर यूनिट आ जाएगा वन वन सिक्स पॉइंट वन एट और ये सबका कॉस्ट पर यूनिट ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी टू वन सिक्सटी तो सिक्सटीन पॉइंट फाइव एट ठीक है भूल के भी तुम लोग को यहाँ पर वन लैख नाइन्टी नहीं करना है क्योंकि यहां पर अब हम लोगों का जितना प्रोडक्शन हुआ है उस पे यूनिट क्योंकि जितना सेल करेंगे उसी पे सेलिंग का खर्चा होता है ठीक है प्रोड्यूस पे कभी नहीं होता है सेवन फाइव सिक्स फोर सिक्स जीरो 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 ठीक ठीक है है तो प्लस 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 अच्छा ये तो कर लिया था मैंने पहले प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट देख लेते प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर बता रखा होगा देखो डिजाइड प्रॉफिट फिफ्टीन परसेंट ऑन सेल फिफ्टीन परसेंट ऑन सेल्स बट ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज फिफ्टीन परसेंट मतलब 15 by 100, ये ये प्रॉफिट है, है, सेल तो कॉस्ट कितना होगा हंड्रेड माइनस फिफ्टीन तो ये ऑन तो कॉस्ट कर, करना पड़ेगा तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एट्टी फाइव इन टू वन एट फाइव एट नाइन टू एट जीरो तो ये हो जाएगा फोर uh, कितना आ रहा है थ्री टू एट जीरो फोर सिक्स वन थ्री टू एट जीरो फोर सिक्स डिवाइडेड बाय वन लैख सिक्सटी ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो टोटल कर लेते हैं वन थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स एट और यहाँ पर टोटल वन एट फाइव एट नाइन टू एट जीरो प्लस थ्री टू एट जीरो फोर सिक्स वन तो ये हो गया टू वन एट सिक्स नाइन सेवन फोर वन ठीक है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डेटा काफी बड़ा बड़ा डिजिट है करोड़ में दे रखा है इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग को मतलब लग रहा होगा कि टफ मतलब ऐसे लग सकता है लेकिन देखो सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है लेकिन इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है कि कैलकुलेट करते करते स्टूडेंट को लगेगा कि कितना टफ क्वेश्चन है ठीक है अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर दिया अगर तुम लोग इसको यहाँ पर नहीं देते हो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था तो तुम लोग उसको यहाँ पर दे देते फिर टोटल करते फिर एडजस्ट करते तो वैल्यूज जो है ओवरऑल एक ही आता ओवरऑल एक ही आता

ये ये दो कर सकते हो ठीक है यहाँ से ये लास्ट वाला थ्री ठीक है अगर होता है तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन ये कर सकते हो वन वाला कर सकते हो और ये थ्री काफी बड़ा है ये हम ही करवाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का आई होप क्वेश्चि खत्म हो जाएगा ठीक है तो आज इतना ही करते हैं।